दोस्तों नमस्कार। कंप्यूटर में चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार निकाल सकते हैं, आइए सीखते हैं इस वीडियो से। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम एक्सेल शुरू करेंगे और एक्सेल में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस प्रकार से हम फॉर्मूला की हेल्प से हम चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर आप को डालना है प्रिंसिपल अमाउंट, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर टाइम। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 7 कर देंगे, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देखिए पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है यहाँ पर पूरा का पूरा जो यहाँ लिखा है वो सारे नंबर फिगर चेंज हो जाएंगे और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 450 रुपये 86 पैसे आपके सामने है। और किस प्रकार से डिटेल स्टेप में ये आपके सामने है, सभी नंबर बदल रहे हैं, ये कोई पिक्चर नहीं है जो एक ही अमाउंट पे काम करे, बल्कि आप अमाउंट बदल दीजिए। जैसे 3000 किया तो आप देखिए सब कुछ बदल गया, रिजल्ट भी बदल गया। अब 2000 किया तो इस प्रकार से हुआ, यहाँ पे 2000 सभी जगह बदल रहा है। अब टाइम देखिए, टाइम हम 4 ईयर्स करते हैं तो बिल्कुल सब कुछ चेंज हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और कंप्यूटर सीख रहे विद्यार्थियों के लिए कि किस प्रकार एक्सेल में फॉर्मूला बनाए जा सकते हैं। दोस्तों ये किस प्रकार किया गया स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक्सेल ओपन करिए। एक्सेल ओपन करने के बाद नई शीट में आपने इस प्रकार से एक सिलेक्शन कर लेना है। फॉर्मेट में जाकर के कॉलम विड्थ में 2.5 कॉलम विड्थ कर लें, इसको एक ग्रिड की तरह बना दें। आगे के हिस्से को भी हम इसी तरह सिलेक्ट करके इस प्रकार बना लेंगे। यहां पर हम लिखेंगे प्रिंसिपल, इस तरह से आप सिलेक्ट करिए, उनको मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए और यहां पे आप लिख लीजिए 1 लिखने के बाद इसको सेंटर कर दीजिए। जितना भी आप है इस सबको सिलेक्ट करके इसको सेंटर कर दें। 1 का फॉन्ट आप बढ़ाकर 16 कर दें। फिर 1 के बाद अगले सेल में हम प्लस का निशान लगाना चाहेंगे तो इसके लिए आप दोनों सेल को सिलेक्ट किया, मर्ज कर दे और यहाँ प्लस का निशान लगा लिया। यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और नीचे के हिस्से को भी हम इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। यहाँ पर हमें जो वैल्यू लिखनी है वो हमें फॉर्मूला से लेनी है और यहाँ पर भी दोनों को सिलेक्ट किया और बॉर्डर एंड इसमें चले गए। यहाँ पर हम बीच की लाइन पे क्लिक किया, थोड़ा सा इसको बड़ा करके ओके कर दिया। अब यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर हम पावर लेंगे यानी इक्वल टू जो टाइम है वो वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे करने के बाद इक्वेशन पे क्लिक कर देना है, इक्वेशन इस प्रकार से आ जाएगी और यहां पर आपने ब्रैकेट्स में जाना है। ब्रैकेट्स में आपने क्या करना है, सेंटर वाले ये ब्रैकेट्स आपने ले लेने, दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ब्रैकेट्स को सिलेक्ट किया, होम में गए और इनका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देना जितना आप चाहते हैं, इतना लिया और इनको बीच से इसको स्पेस करके बड़ा कर दिया इस प्रकार से और उठा करके आपने यहां रख देना है। यहाँ पे हम माइनस का निशान चाहते हैं, इसके लिए आप जब भी क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा, आपने बाहर सेल पे क्लिक करना, फिर एरो की से इसको यहां तक लाना है, फिर सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ एरो और उसके बाद मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद यहाँ माइनस का निशान हम लगा लेंगे, माइनस लगाने के बाद आपने एंटर करना, इसी सेल में आके इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा कर देना है। एक डिजाइन आप सीख जाइए, बाकी डिजाइन आप सारे कर लेंगे। इस प्रकार से सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, ये लिया और इसके बाद यहाँ पर आपने फिर से मर्ज किया और यहाँ पे 1 लिखा और इसका फॉन्ट साइज भी हम बड़ा कर देते हैं इस प्रकार से। फॉन्ट साइज बड़ा करने के बाद अभी यहाँ भी फॉन्ट साइज आप थोड़ा सा बड़ा कर दें, प्लस पे आके इसका भी फॉन्ट साइज आप बड़ा कर दें।
अब इसके बाद बड़ा ब्रैकेट हमें चाहिए, यहां पर भी आप थोड़ा सा इसको बड़ा करके इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देंगे। अब यहां पर हम फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, इक्वेशन में जाएंगे, इक्वेशन पे डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट में जाकर के अब आपको स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इनको सिलेक्ट करके होम पे आना है और इसका साइज भी आप जितना चाहें उतना तक आप ले सकते हैं। और इसे बड़ा कर दें इस प्रकार से। और बड़ा करें और उसके बाद इसको बीच से स्पेस से बड़ा कर लें। इसके बाद यहां हमें वैल्यू डालनी है तो उसके लिए आप क्या करें, इन सेल्स को सिलेक्ट करें और मर्ज एंड सेंटर कर दें और इक्वल टू लगा करके प्रिंसिपल पे क्लिक करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट को सेंटर किया और फॉन्ट साइज हम 16 कर देंगे। अब यहां पर हमें जो वैल्यू डालनी है, जो फॉर्मूला है, वो इस प्रकार से होगा, इक्वल टू बी टू। बी टू में जो वैल्यू होगा वो यहाँ आएगी और यहाँ के लिए होगा 100। 100 आप खुद लिख लेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करके इनका फॉन्ट साइज आप 16 कर दीजिए। इस प्रकार से पहले नंबर का हमारा क्लियर है। अब सेकंड के लिए इसके ठीक नीचे हम आएंगे, फिर से इतने ही सेल्स हम सिलेक्ट करेंगे, मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पे इक्वल टू कर देना है, बी टू कर देना है, सेंटर कर दिया, फॉन्ट साइज बढ़ा करके 16 कर दिया। फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में हम पहले हम वैल्यू लिख लेंगे, फिर बाद में ब्रैकेट्स को ले लेंगे और ब्रैकेट को हम यहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे। जैसे ये वाला है, इसको राइट क्लिक किया, कॉपी हेयर कर दिया और उसके बाद इसको यहाँ रख लेंगे। उसी प्रकार बीच वाले के लिए भी हम यही करेंगे, क्या उसको अलग से हम कॉपी करके इंसर्ट से रख लेंगे। इक्वेशन में गए और यहां से आप ब्रैकेट चूज करके रखिए, उसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। इस प्रकार से ब्रैकेट्स को हम साइड में रख लेते हैं, फिर ब्रैकेट्स लगा लेंगे। यहाँ पर आप ऊपर तक इनको सिलेक्ट करें, मर्जन सेंटर करें, नीचे वाले को सिलेक्ट करें, मर्जन सेंटर करें, बीच दोनों को सिलेक्ट करके बॉर्डर में जाके फिर से मोर बॉर्डर, मोर बॉर्डर में यहाँ पे ब्लैक कलर की लाइन सिलेक्ट की और सेंटर वाली लाइन को सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। इस प्रकार से दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ का फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू इस प्रकार से, इफ मोड ब्रैकेट स्टार्ट 100 कॉमा बी टू ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, 100 डिवाइडेड बाय बी टू कॉमा 100। इसका अर्थ है कि जो आपका 100 है और वो बी टू से डिवाइड हो जाए और मॉडुलस यानी जो रिमाइंडर है वो 0 होगा, तो बी टू से 100 को डिवाइड करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो 100 यहाँ आना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर 5 से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर उससे 100 डिवाइड हो जाए तो जो डिवीजन करने के बाद जो हमारे पास भागफल होगा वो यहाँ पे लेना है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है तो फिर हम क्या लेंगे, 100 का 100 लेंगे। इस फॉर्मूले से ये तय हुआ। अब इसके ऊपर का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से होगा, यानी जब भी हम चेक करेंगे तो हम यही चेक करेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस प्रकार से सेकंड जो हमारी लाइन बन रही है उसमें से इस प्रकार आता चला जाएगा। अब हम ब्रैकेट लगा लेंगे, सेकंड लाइन कंप्लीट है। इसी तरह थर्ड लाइन तैयार करेंगे। थर्ड लाइन में यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे पावर का, यहां भी पावर का और यहां भी पावर का, एक ही फॉर्मूला है सिंपल सा। तो फॉर्मूला इस प्रकार से है, इक्वल टू पावर ब्रैकेट स्टार्ट 8
फिर कॉमा बता के बताना है कितनी की पावर चाहिए, तो वो हमारा B3 है। यानी 21 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो इसके लिए हम पावर फंक्शन जो है एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं। यानी S8 में जो 21 है उसको पावर कर दिया B3 से 3 बार, तो एंटर किया। इस प्रकार से होगा, यहाँ पे इक्वल टू, अब हम पावर ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ बताएंगे S10 कॉमा B3 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर भी आपने इसी प्रकार से इक्वल टू पावर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर आपने S10 ही करना है। नीचे का जो ऊपर आपको ब्लू कलर में दिख रहा है जहां 20 लिखा है उसका एड्रेस देना है, और पावर में B3 कर दिया और एंटर कर दिया। इस प्रकार से ये तैयार हो गया। यहाँ पे आपने इक्वल टू इसका एड्रेस दे सकते हैं, B1 का दे सकते हैं, या यहाँ का दे सकते हैं, कहीं का भी आप दे सकते हैं। अब लास्ट जो हमारा रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इक्वल टू फॉर्मूला लगाना है, और यहां पर हमने दोनों को माइनस कर देना है। सिंपल फॉर्मूला होगा इक्वल टू L14 माइनस S14, एंटर कर दिया 15। एड्रेस का पता कैसे चलता है दोस्तों, एड्रेस आप जैसे यहां पे कर्सर ले गए तो आप इस कॉर्नर पे देखें, यहां पे एड्रेस आ रहा है M15, जिस भी सेल पे रखते हैं उसका एड्रेस यहां जरूर आएगा, और यहां रखा तो L19 एड्रेस पता कर लिया। इस प्रकार से अब यहां पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो सिंपल से आंसर आएगा। इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो पीछे की लाइन है उनको सिलेक्ट करके उनका कलर व्हाइट कर देंगे। इस प्रकार सेलेक्ट किया, बॉर्डर एंड शेडिंग में गए, मोर बॉर्डर में गए, यहाँ पे कलर जो है आपने व्हाइट कर दिया, ऑल कलर जो है व्हाइट कर देना सबसे पहले इस प्रकार से। फिर जहां जहां भी आपका अपॉन था, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे आकर के आपने इसका कलर ठीक कर लेना है। जैसे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ आकर के मोर बॉर्डर पे गए, यहाँ पे कलर ब्लैक लिया और इसको बीच में से ओके कर दिया। इस प्रकार ये ठीक हो गया। इसमें भी ऐसा ही करना है। इस प्रकार से आप इसे करके बिल्कुल रीडेबल बना सकते हैं। अब आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 करते हैं तो एकदम से देखिए सारी वैल्यू बदलती है, और यहाँ पे टाइम हम 2 ईयर्स करते हैं तो भी बदल रहा है, 1 करते हैं तो भी बदल रहा है। इस प्रकार से आपका प्रोग्राम बिल्कुल है। बाकी लाइन्स को भी आप इस प्रकार से सिलेक्ट करके उनका कलर जो है व्हाइट कर दीजिए तो ज़्यादा सुंदर आपको दिखेगा। इस वीडियो से आप मैथ को बहुत इजी बना देंगे, और आप डिटेल जान सकते हैं कहाँ किस लेवल पे क्या हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। पैसे हम जमा करते हैं बैंक्स में या कहीं किसी को उधार देते हैं, लोन लेते हैं या देते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए इस प्रकार सामने हो लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।